मैसेज ये देखिए दोस्तों, ये होते हैं जेस्चर। भाई ने मेरी इज्जत की तेजेश एग्रो केमिकल के पास, ये अपने फ्रेंड है भाई। क्या बात है। और व्यू देखिए लक्ष्मी, ये है लक्ष्मी माता, ये गई दोस्तों बस। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी जिंदगी में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ गाँव, काफी दिन हो गए हैं शिमला में। अब सीजन की तैयारी है दोस्तों, सबका सीजन शुरू होने वाला है। हम वैसे मिडिल वाले हैं तो दोस्तों देखिए अभी भी बारिश हो रही है हल्की हल्की, और अब देखिए धूप निकल आई है। और देखिए दोस्तों मैंने गाड़ी कई दिनों से यहाँ लगाई है, पता नहीं अब स्टार्ट भी होती है कि नहीं, लेट्स चेक आउट। तो फ्रेंड्स बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुई है गाड़ी। फ्रेंड्स मैं छेला पहुँच चुका हूँ और थोड़े थोड़े मैं बाल कटा लेता हूँ यार, बहुत लंबे हो रहे हैं। और ये अपने पुराने भाई साहब है यहाँ पे, चारू क्या हाल है भाई? काफी टाइम का बाल लंबे हो गए, मैं हल्के हल्के से छोटे छोटे कटा ले, ज्यादा नहीं, ठीक है बिल्कुल थोड़े थोड़े, बस ऐसे बिजी था थोड़ा। मैंने तो मैसेज, ये देखिए दोस्तों ये होते हैं जेस्चर। भाई ने मेरी इज्जत की, थैंक यू शाहरुख भाई। ये होते दोस्तों, देखो आपकी इस नवाजी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, धन्यवाद यार, आप बहुत अच्छे इंसान है, थैंक यू, थैंक्स यार। दोस्तों ये देखिए रेडी हो चुका हूँ, और ये देखिए बहुत बढ़िया बाल काटे शाहरुख भाई ने, लव यू यार शाहरुख। अब हम रेडी है घर जाने के लिए, तो थैंक्स शाहरुख, मिलते हैं। ओके परफेक्ट, बस रुकती है और ये मेरी गाड़ी। ओके बाय, इसका गए बाय बाय। कुछ बोला तो नहीं है, हवा चेक करानी थी अभी यार, हवा चेक कराता हूँ। तो दोस्तों मैं आया हूँ राकेश एग्रो केमिकल के पास, ये अपने फ्रेंड है भाई। तो यहाँ देखिए सेबों की पेटियाँ आ चुकी है। क्या हाल है साहब, बढ़िया? ठीक है, कहाँ गए भाई जी? है घर में, कब आना है? क्यों? तो ये देखिए दोस्तों सीजन की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों मैं यहाँ हवा चेक करने आया था, 33-33 को जो चेक करने वाला है वो खाना खा रहा है, तो मैंने कहा चलो 10 मिनट चाय पी लेता हूँ, क्योंकि गाड़ी शिमला में खड़ी थी और हवा में तो चेक करा ही लेते हैं यार, 33-33 करा लेते हैं, 33-33 चारों में, और डिक्की में भी कर देना। तो दोस्तों मैंने चारों टायरों में 33-33 करा रहा हूँ, और डिक्की भी चेक करा करो हमेशा फ्रेंड्स। एक्चुअली दोस्तों 10-15 दिन में चेक करा लिया करो, कभी भी पंचर हो सकता है, और डिक्की में भी आपकी जो स्टपनी होती है उसमें भी चेक करा लिया करो। दरअसल कई बार हम लापरवाही कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, मराने देते हैं यार डिक्की में, छोड़ कौन कष्ट करे। अरे बोलना ही है आपने, बाकी तो काम भाई ने करना है। अब मैं डिक्की खोल देता हूँ ताकि डिक्की खुल जाए आराम से, 33-33 हो जाएगी काफी। हेलो नमस्ते, आगे उस दिन थे नहीं आप। तो दोस्तों मैं होली आ चुका हूँ। हाँ जी, कहाँ जाना? यहाँ जाना देवगढ़ जी, देवगढ़। बाकी कैंची तक ही जाऊंगा जी मैं, बाकी तक। चलो आ जाओ जी, पीछे बैठ जाओ जी। तो दोस्तों ये बेचारे बुजुर्ग थे, तो मैंने इनको लिफ्ट दी, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है कोई रुकता भी नहीं है। बस मेरे ख्याल छूट गई आपकी बस? बस छूट गए? वो बस छूट गई। अच्छा अच्छा ठीक है, देखो चलो कोई नहीं। दोस्तों ये देखिए भाई अपना लिफ्ट मांगी इसने बंदे ने, और ये भी बंदा भाई अपना ही मस्त है, जिंदगी मस्त जी रहा है। क्या बात है, दिन दिहाड़े पैक लगे हुए हैं भाई, ज्यादा मत पिया करो है ना, जिंदगी खाने पीने का होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि इसी के वश में चले जाओ, ठीक है। स्मेल से आ रही है, इसको बंद रखो बोतल को। हो भाई जल्दी चलो। तो दोस्तों ये देखिए बच्चे भी है, लिफ्ट मांगी इन्होंने क्योंकि बस नहीं है आज। हाँ बच्चे कहाँ से हो? गुंडा से। वेरी गुड वेरी गुड। कितना टाइम लगेगा? ओहो कीचड़ देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ काम हो रहा है डंगे का। ओहो माय गॉड, और व्यू देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा पहाड़ हिमाचल प्रदेश। वाओ बड़ा व्यू, और बढ़िया रोड आ गया हूँ, और बारिश हुई है। ओके एटीएम, ये देखिए गाड़ियां लगी है पार्किंग में, मौसम बहुत ही अच्छा है। और रोशन भाई क्या हाल है? ठीक है मजे। और ये देखिए दोस्तों गोदाम, वाओ
क्या बात है यहाँ पे सेब देखो क्या गजब का है। रॉयल है, रॉयल है। शाबाश शाबाश लक्ष्मी, ये है लक्ष्मी माता। वेरी गुड वेरी गुड। ये नेपाल से आए तुम लोग? शाबाश। नेपाल जाता है वीडियो बताए, बहुत लोग देखता है नेपाल से। चौहान का रंग है यार। हाँ भाइयों, साइज तो बहुत बढ़िया। क्या हाल है? कहाँ है बाबू? बाबू गाड़ी लेके गया कहीं? कहाँ गया गाड़ी लेके? पता नहीं कहाँ गया है भाई। तोड़ने वाले कौन है? ये देखिए क्रेटे रखी हुई है रोनी। तोड़ने वाले कौन है इनके? तोड़ने वाले तो अपने बैठे यहाँ पे। देखो भाई ये यूनिवर्सल कार्टन देखो कैसे बंद हो रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट बंद हुई है ये। तेरा नंबर है? नहीं तो टेलीस्कोपिक में होता था, बहुत ऊपर चली जाती थी पेटी। तेरा नंबर है ये? और ये मीडियम था कि स्मॉल था? मीडियम। मीडियम। कितने भरानी तुम? एक दो तीन चार पाँच छह बंदे है। ठीक है ना? हाँ लास्ट पैक लिखा हुआ है, लास्ट पैक, लास्ट लास्ट पैक लिखा हुआ है ना? बस बस ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। लास्ट पैक नहीं खुलता, उनको पता होता है कि लास्ट पैक में एडजस्टमेंट हो जाती है। कितना? ये कम से कम 25-30 पेटी का पेड़ है ये, और इसमें सिर्फ दो तीन पेटी है। नीचे रेड गोल्डन की कलम है इसमें, देखो। नहीं छुए ने मार देने, मेरे को तो छुए का डर है ऊपर थ्रोट में। कितना बढ़िया। नहीं तो अब दूर रहते तेरे हो तो पर है तो जा जा कितना बढ़िया सेब देखो, रंग तो अच्छा आ गया। हाँ इतनी अच्छी फसल लगे तो क्या चाहिए। क्यों आंटी जी आपके है इतनी? तब तो बढ़िया निकल जाएगा आपका। चला ये देखिए दोस्तों, हमारी बस आ चुकी है शाम की हिमरी। टहना बांधना पड़ता है। चलो चलो, नहीं निकलेगा। अच्छा फिर सोनी आ रहा ऊपर खतरोट मंदिर। ये गई दोस्तों बस। तो दोस्तों अब चला मैं अपने घर की ओर। ये देखिए शाम का टाइम, और ये देखिए दोस्तों यू देखिए आप बादलों के बीच में ये वादियां। हर हर महादेव, जय हो कोटेश्वर महादेव। ये देखिए दोस्तों मौसम साफ। अब चले हम फाइनली दोस्तों गांव पहुंच गए अपने। तो दोस्तों रीच माय होम। अब जाते हैं मंदिर में माथा टेकने, और सोनू भाई आने वाले हैं पूजा करने, और देखते हैं साइज सुइज बगीचे में जाके। और तोतों की ड्यूटी दोस्तों सबसे खतरनाक। जय हो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों जो श्रीखंड की जो घटना घटी है वो अभी तक मेरे दिलो दिमाग में अभी तक घूम रही है कि ऐसा क्यों हुआ यार। हाँ अगर वो पिकनिक स्पॉट बनेगा, वहाँ गंदगी फैलाएंगे हम इंसान लोग, तो दंड भी हम इंसानों को ही भुगतना पड़ेगा दोस्तों। अरे हमने सोचा ऐसे कि कहीं पूजा तो नहीं होगी। ओए तो मैं सोचू, मैं कहा यार सोनू भाई कहाँ? मैं फोन भी कर रहा था आपको अब भी थोड़ी देर में, बिजी जा रहा था मैं, कहा बिजी होने। और सुनाओ कैसे? 2700 भी कहा आपका? बढ़िया बिक गया। मैं सोचा आप चंडीगढ़ जाएंगे मंडी। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिका देखो मंदिर में मिलेगा तो 10 लाख है दादा ने रखा हुआ अपना कॉस्ट। 10 लाख मिनिमम, मिनिमम 10 लाख 700 मिलेगा। क्यों दादा जी 10 लाख में दे दो? दे रहा हूँ सर, मंदिर में तो देवता जी मिलने नहीं मिलना। तो ऐसा बंदे मिलते नहीं है भाई साहब, 2600 रुपए नहीं घर द्वार पे यार। तो दोस्तों सोनू का 2700 रुपए बिका है यहीं पे, खरीदार यहीं पे इनके गोदाम में आगे थे और 2700 की बोली लगाई, बहुत बढ़िया बिका। इनके 85 पेटी में इनके 31 पेटी 6 लेयर थी, यानी कि माल तो चलो ठीक ठीक था तभी अच्छा बिका। तो ये समझो 2700 रुपए यहाँ बिका तो 3000 रुपए चंडीगढ़ की मंडी में बिका, ये समझो।
लास्ट पता क्या हमारे पहाड़ी में बोलते क्या हट दे अलग छाटा बस दादाजी हम संतुष्ट नहीं होते हम संतुष्ट नहीं हो सकते। देखा दोस्तों 2600 रुपए यहीं मिल रहा था लेकिन संतुष्टि नहीं है तो नहीं है। रात का टाइम है दोस्तों अब हमारी पूजा होगी महादेव की और ये हमारे दादाजी बैठे हैं श्रीगुरु महादेव के ये देवा जी है यानी गुरु है बहुत दिनों बाद गांव आए हैं। जय हो भोलेनाथ हर हर महादेव। और हमारी काफी अच्छी यारी दोस्ती है जब ये मंदिर बन रहा था ना फ्रेंड्स मैं और दादाजी ने बड़ी गप्पे मारी है यहाँ पे प्रांगण में होता था मिस्त्री होता था एक राजू वो काम में लगा होता था हम पूरे दिन इन्हीं के चरणों में वार्तालाप होता था महादेव के बारे में। जय हो भोलेनाथ हर हर महादेव। देखिए आज हमारे दादाजी खुद ही आग जला रहे हैं। सोनू एक्चुअली थका हुआ है इसे सेब भर के आया है बंदा तो चलो ये भी एक भक्ति है क्यों हर हर महादेव। जय हो हर हर महादेव। भक्तों सुन लो आप भी दर्शन महादेव।